हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासीटी बुक्स। यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बुक रिव्यू करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के इंग्लिश चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर्स का। इसमें जो आपके सेकंड पेपर और थर्ड पेपर होते हैं एनटीए इंग्लिश के, वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सारे जितने भी पेपर्स हुए हैं विथ नोट्स, साथ ही साथ आपको लेटेस्ट पेपर जो अभी हुआ है वो भी ऐड करके इसमें आ गया है। तो आप इसे बुक रिव्यू लास्ट तक देखिएगा, इसमें सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपका जो फर्स्ट पेपर होता है एनटीए यूजीसी नेट का, नेशनल टेस्ट एजेंसी का, उसके भी सारे पेपर, जैसे 2020 के जो भी पेपर्स हुए हैं, जो आपके दिसंबर में हुए हैं, कुछ सितंबर में हुए हैं, और यहाँ पे दिए नवंबर में जो पेपर हुए हैं और अक्टूबर में, वो सारे पेपर यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट पेपर में 2019 के जितने भी पेपर्स हुए हैं वो आपको यहाँ मिलने वाले हैं, 2018 का, तो लेटेस्ट 3 ईयर्स के यहाँ पे पेपर जितने हुए हैं वो आपको मिलने वाला है। इस बुक का रिव्यू हम कर चुके हैं, इस बुक की प्राइस दिखा दे रहा हूँ, 395 प्रिंट प्राइस है, और इस पर अभी डिस्काउंट भी आपको अवेलेबल मिलता है। ये आपके शॉर्ट पेपर्स रहने वाले हैं परीक्षा ज्ञान कोर्स का। इसके अलावा यही सब पेपर्स इसमें आपको मिलने वाले हैं चैप्टर वाइज करके, मतलब जो आपके चैप्टर होते हैं 10 चैप्टर, उनका चैप्टर वाइज करके यहाँ पे दे दिया गया है, और हर चैप्टर वाइज यहाँ पे टॉपिक्स डिवाइड किया गया है। तो ये भी आपको फर्स्ट पेपर का, इन दोनों बुक का रिव्यू हम दे चुके हैं। साथ ही साथ यही चीज़ें आपको एक इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल मिलती है, जो आपका NTA UGC टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, ये इंग्लिश वर्जन में आ जाती है। और ये जो बुक रहने वाली है बायलैंग्वल रहने वाली है, मतलब हिंदी और इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाली है, जो आपका NTA UGC नेट का ये पेपर है, और ये आपको हिंदी में मिलती है, तो वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसी का आप इंग्लिश वर्जन भी लॉन्च कर चुके हैं, तो वो अभी आप दे सकते हैं। इस बुक में हम इंग्लिश से जो पेपर आए हुए हैं NTA UGC के, वो मैं बता दे रहा हूँ। साथ ही साथ ये बुक दो पार्ट में बनी है, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन से पार्ट रहने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके सिलेबस रहने वाला है, और आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 2020 दिसंबर का, वो डिटेल वहाँ पे सोल्यूशन मिलने वाला है। साथ ही साथ 2019 के आपको यहाँ पे दिसंबर 2019 और जून 2019 के पेपर मिलने वाले हैं। तो 3A से लेकर 60A तक का आपको फर्स्ट पार्ट में मिलेगा, उसको पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 336 तक आपको सेकंड पार्ट में मिलने वाला है। इसमें कौन कौन से पेपर आपको मिलने वाले हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। 2018 का दिसंबर, जुलाई 2018, नवंबर 2017 के सेकंड पेपर थर्ड पेपर, जनवरी 2017 का सेकंड पेपर थर्ड पेपर, और जुलाई 2016 के दोनों सेकंड और थर्ड पेपर, दिसंबर के 2015 के सेकंड और थर्ड पेपर मिलने वाले हैं। तो जितने सेकंड और थर्ड पेपर होंगे 2012, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 के सेकंड पेपर्स, इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ लिटरेरी टर्म्स एंड थ्योरीज दिया गया है, लिटरेरी अवार्ड्स एंड प्राइज विनर्स दिए गए हैं, तो ये आपको पोस्ट मॉडर्न पोस्ट क्रॉनिकल लिटरेचर भी यहाँ पे दे दिया गया है लास्ट में, वहाँ पे आपको पेपर का समाप्त होने के बाद। एक बार मैं सिलेबस डिस्कस कर दे रहा हूँ, जो सिलेबस आपके यूजीसी का रहने वाला है। यूनिट 1 में आपके ड्रामा है, यूनिट 2 में पोएट्री है, यूनिट 3 में आपके फिक्शन शॉर्ट स्टोरी है, नॉन फिक्शन प्रोज है आपके यूनिट 4 में, यूनिट 5 में आपको लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरीज और इंग्लिश इन यूज है। उसके बाद यूनिट 6 में आपके इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स, यूनिट 7 में आपको कल्चरल स्टडीज है, यूनिट 8 में आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, उसके बाद यूनिट 9 में आपको लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड है, यूनिट 10 लास्ट रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश आपको रहने वाला है, ठीक है। और नोट एक लिखा हुआ है, द फर्स्ट 4 यूनिट्स मस्ट बी आल्सो बी टेस्टेड थ्रू कम्प्रिहेंशन पैसेज टू एसेस क्रिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, दीज 4 यूनिट्स कवर ऑल लिटरेचर्स इन इंग्लिश। ये आपको यहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। कोड इसका रहता है 30, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ से UGC नेट JRF का जो लास्ट ईयर पेपर, लास्ट टाइम अभी पेपर हुआ था जून 2020 में, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको यहाँ मिल जाएगा, तुरंत उसके नीचे इसका आंसर भी मिलने वाला है। द डिडक्टिव मेथड डिफर्स फ्रॉम द इंडिडक्टिव मेथड्स इन ड्राइंग इज कंक्लूजन फ्रॉम वेरिफिकेशन, अप्लीकेशन, पार्टिकुलर इंस्टेंसेस, जनरल ट्रुथ। तो इसका आंसर जो होगा वो जनरल ट्रुथ होगा। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इंडक्टिव मेथड क्या होता है, वो यहाँ पे खूब अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, वो आप यहाँ दे सकते हैं। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, तो इसमें चारों ऑप्शन के यहाँ डिटेल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन में यही चीजें की गई हैं, आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन के बाद डिटेल सोल्यूशन, यहाँ पे आपको खूब अच्छी तरह का वेल एक्सप्लेन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो ये अभी पेपर चल रहा है, इसमें ये दिसंबर 2018 का पेपर रहने वाला है, सेकंड पेपर है। इसके बाद यहाँ देखते हैं तो ये जुलाई 2018 का पेपर यहाँ पे अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे पेपर वाइज जो मैंने पेपर आपको बताया है वो पेपर यहाँ पे एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे और चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे आपको ये दे दिया गया है, देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है,
और फॉलोइंग मैचिंग था, तो मैचिंग के चारों को यहाँ पे मैच करके दिखा दिया गया है। इसके अलावा और जो रहेंगे, ये दिसंबर 2015 का पेपर रहने वाला है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थर्ड पेपर है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको जून 2015 का सेकंड पेपर रहने वाला है, और ये आपका जून 2015 का थर्ड पेपर यहाँ पे रहने वाला है। थर्ड पेपर ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन, हर एक पेपर वाइज यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन दिया गया है, जितने भी आप पेपर्स देख रहे होंगे। ये पेपर आपका स्टार्ट होता है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2009 सेकंड पेपर है इंग्लिश का, वो आपको यहाँ पे सॉल्व मिल जाएगा पेपर वाइज। इसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड पेपर स्टार्ट होता है 2008 का, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सॉल्व पेपर 2008 का यहाँ पे मिलने वाला है, वो आपको यहाँ पे जून 2008 का मिल जाएगा। जून 2008 के बाद यहाँ पे दिसंबर 2017 के पेपर यहाँ पे मिलने वाले हैं, वो अवेलेबल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दिसंबर 2006 के इंग्लिश का सॉल्व पेपर यहाँ पे आपको मिलने वाला है, वो यहाँ पे इसने नक्षत्रगत किया है, वो मिल जाएगा। फिर 2006 इंग्लिश सॉल्व पेपर सेकंड आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। इंग्लिश के अलावा हमारे पास और भी सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं। ये तीनों बुक आपका फर्स्ट पेपर है, इसमें आपको पेपर वाइज लास्ट 3 ईयर का दिया गया है। यहाँ 79 पेपर का चैप्टर वाइज है, ये भी 79 का टॉपिक वाइज दिया गया है। चैप्टर वाइज इंग्लिश वर्जन में दिया गया है, ये हिंदी वर्जन। इसके अलावा इतिहास, भूगोल, हिंदी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, इंग्लिश, शिक्षा शास्त्र, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंस, पुस्तकालय, विधि, ये सारे पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। तो इस प्रकार हमने इसके पहले भी कल होम साइंस का रिव्यू किया था, तो जो भी सब्जेक्ट का आपको रिव्यू चाहिए इसमें, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसका हम जैसे ही लेटेस्ट पेपर ऐड होकर आता है, न्यू बुक का हम रिव्यू जरूर करेंगे। इसके अलावा इन दोनों बुक का आप रिव्यू जरूर देख लीजिएगा, ये दोनों बुक हम रिव्यू कर चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। ये दोनों आपको परचेज करना कंपलसरी है, और जो सब्जेक्ट अगर आप इंग्लिश चूज करें तो ये आप परचेज कर सकते हैं। बुक रिव्यू का सेक्शन आपको कैसा लगता है कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे अगर परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन इसके प्राइस अलग अलग होते हैं, डिस्काउंट्स अलग अलग मिल जाएंगे आपको। ये प्रिंट प्राइस तो इसकी 400 रुपये है, और अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या इंस्टा मुझे परचेज करते हैं वहाँ डिस्काउंट मिलता है। हमारे वेबसाइट पे भी से परचेज कर सकते हैं, ycdbooks.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सारे बुक्स अपडेटेड मिल जाएंगे। इसके अलावा अधिक कोई जानकारी के लिए आप 7518340504 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पर कमेंट करिएगा, चैनल नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज़।